Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we show the expression of torsional equivalent shaft. So let's start this lecture. So दोस्तों अभी तक हमने जितने भी expression देखे थे उसमें जो हमारा shaft था उसका diameter throughout the length constant था. अब जो हम expression देखने वाले हैं उसमें जो हमारा shaft है उसका जो diameter है वो throughout the length change होते जा रहा है. तो suppose ये जो diameter है हमारा d1 है, ये हमारा diameter d2 है और ये हमारा diameter d3 है. यहाँ से इतनी length l1 है, ये हो गया l2 और ये हो गया l3. ठीक है, ये दोनों रोटर्स है, इसको बी और ए नाम दे सकते हो आप. ठीक है, तो टू रोटर्स का केस है ये. अब यहां पे जब भी डायमीटर इस तरीके से चेंज हो रहा हो थ्रू आउट द लेंथ तो उस शाफ्ट को हम कहते हैं स्टेप्ड शाफ्ट. यहां पे ये दोनों जो रोटर्स है ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ये हमारा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है. तो देखो जब भी हम प्रॉब्लम्स किस तरीके से सॉल्व करेंगे ऐसे केस में तो हम क्या करते हैं, इसको इक्विवेलेंट लेंथ और इक्विवेलेंट डायमीटर मान के कंसिडर करते हैं. मतलब ये हमारा रोटर है और ये हमारा दूसरा रोटर है और इस जो शाफ्ट हमारा थ्रू आउट द लेंथ डायमीटर चेंज हो रहा है उसको हम एक इक्विवेलेंट लेंथ और इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ द शाफ्ट कंसिडर करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. जैसे हमारा रेजिस्टेंस होता था ये R1, R2 और R3 रेजिस्टेंस है तो इसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में चेंज कर देते थे, तो उसी तरीके से हम इसको इक्विवेलेंट डायमीटर और इक्विवेलेंट लेंथ में चेंज कर देंगे. तो चलिए एक्सप्रेशन देखते हैं इक्विवेलेंट लेंथ और डायमीटर का. तो यहां पे देखो जो रोटर ए है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो ये जो शाफ्ट है इसके अंदर ट्विस्टिंग प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो उस ट्विस्टिंग का जो एंगल होगा सपोज इस शाफ्ट में θ1 होगा और इस शाफ्ट का ट्विस्टिंग एंगल θ2 होगा और इस शाफ्ट का जो ट्विस्टिंग एंगल है वो θ3 होगा. ठीक है, और जो हमारा इक्विवेलेंट लेंथ है इसका जो हमारा ट्विस्टिंग एंगल है वो सपोज थीटा होगा. ठीक है, देखो जो थीटा होगा वो इन सभी का सम होगा क्योंकि हमने इसको चेंज कर दिया है कि इसमें इक्विवेलेंट लेंथ में. ठीक है, तो जो थीटा है हमारा इक्विवेलेंट लेंथ वाले शाफ्ट का वो इक्वल किसके है, θ1 प्लस θ2 प्लस थीटा, इसको टू करो, θ3 के. ठीक है, अब यहां से देखो जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने जो टॉर्जनल इक्वेशन पढ़ा था वो किसके इक्वल होता है, टॉर्क डिवाइडेड बाय यहां पे आता है हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये शियर मॉडुलस, यहां पे थीटा और नीचे आता है लेंथ. ठीक है, तो जो हमारा थीटा है वो किसके इक्वल हो गया, टॉर्क लेंथ जी और जे, जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारा जो जे से रिप्रेजेंट करते हैं वो पाई बाय 32 और डी की पावर 4 होता है. ठीक है, और ये जी जो है हमारा वो शियर मॉडुलस है, यहां पे लिख दो शियर मॉडुलस. ठीक है, तो यहां पे थीटा की जगह सारी वैल्यू डालो, यहां पे थीटा की जगह टी एल जी जे हो गया, ये हो गया हमारा टी एल जी जे, यहां पे जे वन और एल वन करो इसके टी एल टू और ये हो गया जी जे जे टू प्लस टी एल थ्री और ये हो गया जी जे और यहां पे आ गया 3. अब यहां पे देखो टी और जी ये कॉमन आ रहे हैं, ये कॉमन किस लिए आ रहे हैं, देखो जो जी है हमारा वो शियर मॉडुलस है और ये जो शाफ्ट है ये हमारा सेम मटेरियल से बना हुआ है, ये पूरा शाफ्ट, ये तो d1 d2 d3 है, ये जो एक ही शाफ्ट है ये हमारा सेम मटेरियल से बना है, बस इसका डायमीटर चेंज है. तो यहां पे जो जी होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से जी कॉमन निकालो और यहां से जी जी कैंसिल आउट हो जाएगा. पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा, क्यों अलग अलग होगा, क्योंकि डायमीटर अलग अलग है. देखो इसका d1 है, इसका d2 है, इसका d3 है और जो इक्विवेलेंट लेंथ वाला शाफ्ट है हमारा इसका डायमीटर d है, तो डायमीटर क्या है, चेंज है, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैंसिल आउट नहीं होगा. ठीक है, और यहां पे जो टॉर्क है वो टॉर्क सेम एक्ट कर रहा है पूरे शाफ्ट के अंदर, तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहां से जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो आ जाएगा लेंथ डिवाइडेड बाय जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यहां पे इसकी जगह लिख सकते हैं हम पाई बाय 32 डी की पावर 4, ये हमारा इक्विवेलेंट डायमीटर है, इक्विवेलेंट डायमीटर यहां पे लिख लो इसको और ये हमारा इक्विवेलेंट लेंथ है. ठीक है, अब यहां पे देखो ये आ जाएगा L1 और यहां पे आ जाएगा D1 की पावर 4, यहां पे भी पाई बाय 32 आएगा, देखो पाई बाय 32 से पाई बाय 32 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो यहां पे हम लिख सकते हैं L2 डिवाइडेड बाय D2 की पावर 4 प्लस यहां पे आ जाएगा L3 डिवाइडेड बाय D3 की पावर 4. तो ये हमारा दोस्तों टॉर्जनल इक्विवेलेंट शाफ्ट का इक्वेशन बन गया. सो दोस्तों जब भी टॉर्जनल इक्विवेलेंट शाफ्ट का क्वेश्चन आए तो वहां पे आपको ये वाला एक्सप्रेशन यूज करना है. तो यहां से होगा क्या, इस एक्सप्रेशन से हमें इक्विवेलेंट लेंथ की वैल्यू मिल जाएगी. जो हमारा स्टेप्ड शाफ्ट है इसको हमने इक्विवेलेंट लेंथ में कंसिडर किया है और इक्विवेलेंट डायमीटर में कंसिडर किया है. ठीक है, तो जब भी इस तरीके से जब भी शाफ्ट का डायमीटर चेंज हो तो सबसे पहले आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है और फिर वहां से आपको इस इक्वेशन से एल की वैल्यू निकालनी है. जो इक्विवेलेंट डायमीटर है वो हमारा इन्हीं शाफ्ट में से किसी एक का डायमीटर होगा.
ठीक है, या तो वो D1 के इक्वल होगा, या तो D2 के, या तो D3 के। अब वो फाइंड कैसे करोगे, जो हमारा इक्विवेलेंट डायमीटर है वो D1 के इक्वल है, D2 के इक्वल है, या D3 के इक्वल है। तो इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, SS रतन का क्वेश्चन है ये, एग्जांपल नंबर 25। ठीक है, द शाफ्ट शो इन द फिगर कैरिंग अ टू मास्ट। ये शाफ्ट है, इसके दोनों एंड्स पे मासेस कनेक्ट है। द मास ए इज 300 kg, इस रोटर का मास है 300 kg, एंड इसका रेडियस ऑफ गायरेशन दे रखा है 0.75 मीटर। ठीक है, उसके बाद मास बी इज 500 kg, इसका मास है दोस्तों 500 kg, 500 kg है, और इसका रेडियस ऑफ गायरेशन दे रखा है हमें 0.9 मीटर। डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ टॉर्जनल वाइब्रेशन, दो पार्ट है इसका। पहला पार्ट में क्या बोला है, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इस शाफ्ट के अंदर जो टॉर्जनल फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू कितनी होगी वो फाइंड करेंगे। तो देखो, ये सबसे पहले देखो, शाफ्ट का डायमीटर चेंज हो रहा है थ्रू आउट दी लेंथ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें शाफ्ट का डायमीटर चेंज हो रहा हो और लेंथ चेंज हो रहा हो, तो वहां पे हम क्या करेंगे, उस शाफ्ट को इक्विवेलेंट लेंथ और इक्विवेलेंट डायमीटर में कंसिडर कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हमने एक लेंथ और एक डायमीटर में इसको चेंज कर दिया। इस लेंथ को बोलेंगे हम इक्विवेलेंट लेंथ और इसके डायमीटर को बोलेंगे इक्विवेलेंट डायमीटर। ये हमारा रोटर बी है और ये हमारा रोटर ए है। अब उसके बाद देखो, जो हमारा एक्सप्रेशन था टॉर्जनल इक्विवेलेंट शाफ्ट, ये जो हमारा इक्विवेलेंट लेंथ निकालने का एक्सप्रेशन था वो हम यूज करेंगे और एल की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे एल अपॉन डी, L1 डिवाइडेड बाय D1, यहाँ पे है D1 की पावर 4 है और इधर भी 4 है, इसको हटा दो, प्लस L2 डिवाइडेड बाय D2 की पावर 4, प्लस L3 डिवाइडेड बाय D3 की पावर 4। अब यहाँ पे देख लेते हैं कितने शाफ्ट है टोटल, तो टोटल 4 शाफ्ट है। तो यहाँ पे इक्वेशन आगे तक जाएगी, ये हो जाएगा L4 D4 की पावर 4। यहाँ पे सारी वैल्यू डालेंगे, जो L1 है हमारा, L1 देखो 300 है, फिर 160 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 300 mm, उसके बाद है 160, और उसके बाद शायद 125 है, इसको हटाओ, प्लस उसके बाद जो हमारी लेंथ है वो है 400 mm। नीचे देखो डायमीटर, इनका डायमीटर 100 mm, 150 mm और 120 mm, तो यहाँ पे लिखते हैं 100 mm इसकी पावर 4 हो गया, यहाँ पे 150 की पावर 4, और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे है डायमीटर 120 mm है, डायमीटर 120 mm इसकी पावर 4, और D4 जो है हमारा वो 90 mm है इसकी पावर 4। यहाँ से इक्विवेलेंट लेंथ आ जाएगा। आप दोस्तों यहाँ पे डी, स्मॉल डी, इक्विवेलेंट डायमीटर कैसे फाइंड करोगे, जो हमारा इक्विवेलेंट डायमीटर होता है वो इन्हीं शाफ्ट में से किसी एक का डायमीटर होता है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए वो देखते हैं। इक्विवेलेंट डायमीटर फाइंड करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरी लेंथ की वैल्यू को ऐड कर लो। तो इसको लेंथ को ऐड करोगे तो क्या होगा, 400 प्लस 300 700 हो गया, 700 प्लस 160 ये हो गया हमारा 860, और 860 प्लस 125 ये हो गया दोस्तों 985 मिलीमीटर। जो टोटल लेंथ है इस शाफ्ट की वो है 985 मिलीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर देंगे तो आ जाएगा 0.985 मीटर। ये हमारा लेंथ आ गया, एक्चुअल लेंथ जो हमारी शाफ्ट की दे रखी है वो 0.985 मीटर है। तो दोस्तों ये तो एक्चुअल लेंथ है, बट जो हमारा इक्विवेलेंट लेंथ है उसकी वैल्यू भी इस वैल्यू के बिल्कुल क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो डायमीटर है, जो हम इक्विवेलेंट डायमीटर यूज करेंगे वो इन्हीं शाफ्ट में से किसी एक का डायमीटर होगा। तो यहाँ पे हम एक एक करके सारे डायमीटर डालेंगे, एक एक करके सारे डायमीटर इस इक्वेशन में डालेंगे, और जो हमारा एल की वैल्यू 0.985 के जोन सी वैल्यू क्लोज होगा वही हमारा इक्विवेलेंट लेंथ होगा, और वही हमारा जिस वैल्यू पे वो क्लोज वैल्यू आया है वही डायमीटर हमारा इक्विवेलेंट डायमीटर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इस इक्वेशन के अंदर जो हमारा डायमीटर, सबसे पहले आप एक काम करो 150 mm डालो, 150 mm डालो डी की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो, जब डी की वैल्यू आप 150 mm डालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 150 इसकी पावर 4 हो गया, जो हमारा इक्विवेलेंट लेंथ आएगा वो आएगा 5.0703 मीटर। तो ये हमारा इक्विवेलेंट लेंथ आ गया जब हमने इक्विवेलेंट डायमीटर 150 एज्यूम किया। तो यहाँ पे साइड में लिख दो, जब हमने डायमीटर 150 mm एज्यूम किया इक्विवेलेंट डायमीटर, तो जो हमारा इक्विवेलेंट लेंथ आया है वो है 5.073 मीटर। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा एक्चुअल लेंथ है स्टेप शाफ्ट की वो है 0.985, और जो हमारा डी की वैल्यू 150 mm डालने पे आया है 5.07, तो ये देखो बहुत बड़ी वैल्यू है, 0.985 के बिल्कुल आसपास की वैल्यू भी नहीं है। तो ये जो हमारा, जो हमने डी एज्यूम किया है, इक्विवेलेंट डायमीटर 150 एज्यूम किया है, ये बिल्कुल गलत है। अब दूसरा डायमीटर एज्यूम करो, दूसरा डायमीटर सपोज 90 mm डालते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 150 की जगह लिख दो 90, ये 90 हो गया। अब जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 90 mm डालने पे जो हमारा इक्विवेलेंट लेंथ है वो आ जाएगा 1.01366 मीटर, इसके पास आ रहा है। तो देखो 0.985 मीटर के बिल्कुल ये आसपास की वैल्यू है, तो हम ये इक्विवेलेंट लेंथ एज्यूम कर सकते हैं। तो जब हमने डायमीटर 90 mm डाला तो हमारा जो इक्विवेलेंट लेंथ आया वो है 1.01366
मीटर। बट यहाँ पे देखो और भी वैल्यूज है, यहाँ पे 100 mm भी है और 120 mm है, क्या पता इसके और पास वाली वैल्यू आ जाए। अब दोस्तों 120 mm इक्विवेलेंट डायमीटर एज्यूम करते हैं, क्या पता है इसके क्लोज वैल्यू आ जाए। तो देखो जब इक्विवेलेंट डायमीटर 120 mm यहाँ पे डालोगे, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा इक्विवेलेंट लेंथ है वो 2.076 मीटर के आसपास आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो, जब हमने इक्विवेलेंट डायमीटर 120 mm एज्यूम किया तो जो हमारा इक्विवेलेंट लेंथ है वो आ गया 2.076 मीटर। तो देखो 0.985 से बहुत ही दूर वैल्यू है ये 2.076, क्योंकि 90 mm पे सबसे ज्यादा क्लोज वैल्यू मिल रहा है हमें 150 और 120 mm की कंपैरिजन में। अब यहाँ पे एक और डायमीटर दे रखा है हमें 100 mm, देखो इसको इस पे भी चेक करो, क्या पता इसके और पास वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे जब हम इक्विवेलेंट डायमीटर 100 mm डालेंगे तो जो हमारा इक्विवेलेंट लेंथ है वो आ जाएगा 1.0015 मीटर के। तो यहाँ पे देख सकते हो जब हमने इक्विवेलेंट डायमीटर 100 mm एज्यूम किया, इक्विवेलेंट लेंथ है वो 1.0015 मीटर आया, ये 0.985 के बहुत ही क्लोज वैल्यू है, क्योंकि देखो 90 mm पे 1.0136 मीटर आ रहा है जो कि 1.015 से बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पे जो हम इक्विवेलेंट डायमीटर एज्यूम करेंगे वो 100 mm होगा और इस डायमीटर पे जो हमारा इक्विवेलेंट लेंथ आया वो है 1.0015। देखो अब जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो चुका है, क्योंकि हमने स्टेप्ड शाफ्ट को, जिस शाफ्ट में डायमीटर चेंज हो रहा है उसको हमने एक डायमीटर और एक लेंथ में चेंज कर लिया है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट लेंथ मतलब इस स्टेप्ड शाफ्ट को हमने इस डायग्राम में चेंज कर लिया है और इसकी जो लेंथ है वो आ गया है 1.0015 मीटर, और ये जो डायमीटर आया है वो है 100 mm। ये हमारा रोटर ए है, ये हमारा रोटर बी है। तो ये सिंपल कौन सा केस हो गया, टू रोटर सिस्टम का केस हो गया। टू रोटर सिस्टम में हमने ये वाला एक्सप्रेशन देखा था, आई ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटर ए का लेंथ ए इज इक्वल टू आई बी और ये एल बी। ठीक है, जब भी टू रोटर सिस्टम का क्वेश्चन आता है तो इस एक्सप्रेशन से सॉल्व करते हैं। अब इसी क्वेश्चन में देखो जो लेंथ ए है वो क्या होगा हमारा, देखो जब रोटर ए रोटेट कर रहा था तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा इस शाफ्ट के अंदर, तो कुछ लेंथ तक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा रोटर ए की वजह से। ठीक है, अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से वाइब्रेशन में वेरिएशन होगा इस पूरे शाफ्ट के अंदर। ठीक है, ये इस तरीके से नीचे की तरफ हो गया, ये ऊपर की तरफ हो गया। ठीक है, तो रोटर ए की वजह से जहां जिस लेंथ तक वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो लेंथ है हमारा एल ए, और रोटर बी की वजह से जिस लेंथ तक वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है रोटर बी की वजह से वो है लेंथ हमारा बी। ठीक है, टोटल लेंथ 1.0015 मीटर है और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखो आई ए, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हमारा मास रोटर ए का और रेडियस ऑफ गायरेशन रोटर ए का एम के स्क्वायर। तो देखो मास कितना दे रखा है हमें, 300 kg और 0.75 मीटर। तो यहां पे लिख देते हैं 300 kg, 0.75 मीटर, ये रेडियस ऑफ गायरेशन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी का निकालते हैं, बी का मास देखो 500 kg दे रखा है और रेडियस ऑफ गायरेशन 0.9 दे रखा है। तो यहाँ पे लिखते हैं 500 kg और रेडियस ऑफ गायरेशन है 0.9 का स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया एल ए प्लस एल बी, देखो एल ए प्लस एल बी किसके इक्वल होगा, टोटल लेंथ के इक्वल होगा और टोटल लेंथ कितना है 1.0015 मीटर। तो यहाँ से देखो एल बी की वैल्यू निकाल लो, एक काम करो 1.0015 माइनस एल ए, ये एल बी आ गया, इस एल बी को यहाँ पे डाल दो, सारी वैल्यू डालो। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 300, ये है 0.75 का होल स्क्वायर, यहाँ पे लेंथ ए है, 500 kg है और यहाँ पे है 0.9 मीटर का स्क्वायर, और यहाँ पे लेंथ बी की जगह आ जाएगा 1.0015 मीटर माइनस लेंथ ए। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो जो लेंथ ए है हमारा वो आ जाएगा 0.707 मीटर, ये हमारा लेंथ ए आ गया। तो लेंथ ए आ गया तो मतलब हमें यहाँ पे नोड की पोजीशन हमने फाइंड कर ली, नोड की पोजीशन फाइंड कर दी। तो यहाँ पे शाफ्ट को इस तरीके से क्लैंप करेंगे ताकि दोनों रोटर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहे। तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन हो गया वो होता है 1/2π अंडर रूट शियर मॉडुलस पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए का और लेंथ भी किसकी, ए की। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप ये ए वाला ही एज्यूम करो, यहाँ पे आप बी वाला भी एज्यूम कर सकते हो, 1/2π शियर मॉडुलस, ये है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बी और ये है एल बी। ठीक है, इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन यूज करो, आंसर दोनों का सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जो आई ए एल ए है, आई ए एल ए है वो इक्वल है किसके, आई बी एल बी के। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है टॉर्जनल फ्रीक्वेंसी है वो दोनों की केसेस में सेम आएगी। तो यहाँ पे वैल्यू डालो 1/2π। शेयर मॉडल्स इस क्वेश्चन में गिवन है 84 × 10^9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो, शेयर मॉडल्स आ गया 84 × 10^9 और जो हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसकी वैल्यू होगी π/32 d^4। यहाँ पे जो d है हमारा वो इक्विवेलेंट डायमीटर है, इक्विवेलेंट डायमीटर हमने देखो यहाँ पे 100 mm एज्यूम किया था। तो यहाँ पे लिख दो, 100 mm को मीटर में चेंज कर दो, 0.0
ये हो जाएगा 1 की पावर 4, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 32, ये हो गया 0.1 की पावर 4। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए का ये रहा 300 डाल दो इधर, और ये हो गया 0.75 का होल स्क्वायर। लेंथ ए की आ गई 0.707 ये मीटर में है। तो यहाँ पे देखो जो जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी आ गया वो आ गया 30.2 हर्ट्ज। ये आ गया हमारा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन में सेकंड पार्ट देखो क्या बोला है। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला, डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ टॉरिजनल वाइब्रेशन, ये हमने निकाल लिया। अब सेकंड पार्ट देखो, इट इज डिजायर्ड टू हैव द नोट एट मिड सेक्शन ऑफ द शाफ्ट ऑफ 120 mm डायमीटर बाय चेंजिंग द डायमीटर ऑफ द सेक्शन हैविंग अ 90 mm डायमीटर, व्हाट विल बी द न्यू डायमीटर। इस क्वेश्चन में दोस्तों ये जो हमारा 90 mm डायमीटर का शाफ्ट है इसको रिप्लेस करना है किसी और डायमीटर के शाफ्ट में, ताकि जो हमारा नोड पॉइंट है 120 mm डायमीटर के मिड पॉइंट पे हमें मिले। इस पॉइंट पे हमें नोड पॉइंट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इस ये जो 90 mm डायमीटर का शाफ्ट है इसको रिप्लेस कर देंगे किसी और डायमीटर के शाफ्ट पे। तो उस शाफ्ट का डायमीटर कितना होगा तो उसकी वैल्यू फाइंड करना है हमें। तो यहाँ पे जो हमारा नोड पॉइंट है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो नोड पॉइंट है यहां से यहां तक के डिस्टेंस को एल ए कहेंगे, ठीक है। ये हमारा इक्विवेलेंट लेंथ फाइंड करना है हमें, इक्विवेलेंट लेंथ फाइंड करना है इस रोटर ए से लेके इस नोड पॉइंट तक। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे एल ए की वैल्यू, क्योंकि देखो ये स्टेप्ड शाफ्ट है, ये स्टेप्ड शाफ्ट है, स्टेप साइड मतलब इसका डायमीटर चेंज हो रहा है। तो हम इसको पहले कन्वर्ट कर देंगे इक्विवेलेंट लेंथ में। इक्विवेलेंट लेंथ में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखो, तो यहाँ पे नीचे आता है डायमीटर, इक्विवेलेंट डायमीटर हमने 100 mm एज्यूम किया था इस क्वेश्चन में, 100 mm इसकी पावर 4, और यहाँ पे L1 डिवाइडेड बाय D1 की पावर 4, L2 डिवाइडेड बाय D2 की पावर 4 प्लस। अब यहाँ पे देखो ये D1 हो गया, D2 हो गया, अब D3 में देखो, D3 में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, L3 डिवाइड बाय D3 की पावर 4, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 1/2 से। इसको हमने 1/2 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें बोला था ये जो शाफ्ट है 120 mm डायमीटर का शाफ्ट है इसके मिड पॉइंट पे नोड मिल रहा है हमें। तो ये जो हमने इक्विवेलेंट डिस्टेंस फाइंड किया है रोटर ए से लेके इस नोड ए तक का डिस्टेंस, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 1/2 से डिवाइड किया। अब यहाँ पे आगे वैल्यू नहीं लिखेंगे, L4 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे नोड ए से लेके रोटर ए तक का इक्विवेलेंट डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, यहाँ पे L1 L2 L3 इन सब की वैल्यू डालो। तो यहाँ पे देखो LA इक्विवेलेंट डायमीटर 100 की पावर 4, जो L1 है हमारा वो है 300, ये है 300 और ये है 160, और ये कितना है, ये है हमारा 125। तो यहाँ पे लिख दो 125। अब ये डायमीटर 100 इसकी पावर 4, D2 जो है हमारा वो है 150 फिर 120, तो यहाँ पे डाल दो 150 की पावर 4 और ये आ जाएगा 120 की पावर 4। तो यहाँ से इक्विवेलेंट डिस्टेंस रोटर ए से लेके नोड तक का डिस्टेंस वो आ जाएगा 0.3617 मीटर, ये LA आ गया। इसका मतलब क्या है ये देखो, ये समझो, यहाँ पे ये इस तरीके से है, ये हमने एक लेंथ और एक डायमीटर में कन्वर्ट कर लिया। जो इसका इक्विवेलेंट डायमीटर है वो तो हमने 100 mm एज्यूम किया हुआ है, और जो ये जो नोड है वो यहाँ पे मिल रहा है, जो LA डिस्टेंस है वो कितना आ गया हमारा LA 0.3617, और ये हमारा LB डिस्टेंस है। LB हम निकाल नहीं पाएंगे अभी, ये हमारा रोटर B है, ये रोटर A है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हमारी कंडीशन है। अब यहाँ पे टू रोटर सिस्टम का इक्वेशन अप्लाई करो, तो देखो टू रोटर सिस्टम क्या है, IA LA किसकी इक्वल होता है, IB LB के। तो यहाँ से देखो LB आ जाएगा हमारा। एक काम करो नेक्स्ट पेज पे देखो, जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हो जाएगा मास ऑफ A, मास ऑफ रोटर A, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रोटर A, और ये लेंथ A, ये हो जाएगा मास ऑफ रोटर B, रेडियस ऑफ गायरेशन रोटर B का, ये लेंथ B की। तो यहाँ से LB आ जाएगा, सारी वैल्यू डालते हैं, मास A ये दे रखा है 300 kg, और जो रेडियस ऑफ गायरेशन है, जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो कितना दे रखा है 0.75 का होल स्क्वायर। लेंथ A अभी हमने निकाला था कितना है 0.3617, तो यहाँ पे डाल दो 0.3617। मास ऑफ बी 500 kg था, रेडियस ऑफ गायरेशन इसका 0.9 दे रखा है रोटर बी का, यहाँ से लेंथ भी आ जाएगी। तो देखो जो इक्विवेलेंट लेंथ आ गया रोटर बी से लेके नोड तक का डिस्टेंस, ये हो गया 0.1507 मीटर, ठीक है। तो ये LB आ गया, ये LB क्या है, रोटर बी से लेके इस नोड तक का डिस्टेंस है, इक्विवेलेंट डिस्टेंस है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आई है 0.1507 मीटर। तो अब देखो क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना था,
क्वेश्चन में हमें ये जो 90 mm डायमीटर का जो शाफ्ट था इसको रिप्लेस करना था किसी और डायमीटर के शाफ्ट को, तो इस डी की वैल्यू फाइंड करनी थी ताकि जो नोड पॉइंट है हमारा वो 120 mm डायमीटर शाफ्ट के मिड पॉइंट पे मिल जाए। तो देखो जिस तरीके से हमने ये वाली इक्वेशन लिखी थी, उसी तरीके से हम एल ए का इक्वेशन निकाला था, उसी तरीके से हम इक्विवेलेंट लेंथ फाइंड करेंगे बी का। तो यहाँ पे देखो एल बी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट डायमीटर जो कि हमने 100 की पावर 4 हो गया इज इक्वल टू, इस तरफ से हमें चलना है तो इस शाफ्ट की लेंथ कितनी है 400 mm है, तो यहाँ पे डाल दो 400 डिवाइडेड बाय, इसका डायमीटर हमें मालूम नहीं है यही हमें निकालना है प्लस, और यहाँ पे ये देखो ये जो शाफ्ट है इसके मिड पॉइंट तक ही हमारा एल बी का डिस्टेंस है, तो ये कितना है इसका डायमीटर है 120 mm, तो यहाँ पे नीचे डाल दो 120 mm की पावर 4, और इस शाफ्ट की जो लेंथ है वो है 125 और इसके हाफ, इसका हाफ कर देंगे क्योंकि जो मिड पॉइंट है इसके हाफ पे है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इक्विवेलेंट डिस्टेंस आ गया कहाँ से, रोटर बी से लेके नोड 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 तक का डिस्टेंस आ गया। तो यहाँ पे देखो एल पी की वैल्यू भी अभी हमने फाइंड करी थी कितनी है 0.1507, तो यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे एल पी की वैल्यू डाल देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं 0.1507 मीटर में है, इसको हमने डाल दिया ये मीटर में है तो इस सभी को मीटर में चेंज करना पड़ेगा आपको, ये 400 की जगह एक काम करो यहाँ पे लिख दो 0.400 और 125 की जगह लिख दो यहाँ पे पॉइंट, ये हो जाएगा 125, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो जो हमारा डायमीटर आ जाएगा वो इक्वल आ जाएगा 135 mm के, ठीक है। ये हमारा आ गया डायमीटर इस नए शाफ्ट का, तो जब भी हम इस शाफ्ट 90 mm डायमीटर को रिप्लेस कर देंगे 135 mm डायमीटर से, तो जो नोड पॉइंट होगा हमारा वो इस शाफ्ट के मिड पॉइंट पे लाई करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन करना था, ये हमारा एग्जांपल नंबर 25 था एसएस रतन का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थ्री रोटर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।